बालों को लंबा और घना कर देगा, ये तरीका गारंटी के साथ है, कम लोग ही जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगन सार में एक बेहद ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों, बालों का पतला होना एक बड़ी समस्या है, लेकिन यह एक ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका कोई उपाय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बालों की सही ढंग से देखरेख करके और छोटे मोटे घरेलू नुस्खे आजमा कर भी आप आसानी से अपने बालों को ठीक कर सकते हैं। बालों के पतले होने की चिंता आपके बालों को भी अस्वस्थ कर सकती है, इसलिए सबसे पहले चिंता छोड़ दें। दोस्तों, बाल इंसान की सुंदरता का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। बालों को सही पोषण ना मिलने से बालों की लंबाई कम होती है और रूखे और बेजान बालों का असर बालों की लंबाई पर भी होता है। हर कोई चाहता है कि उनके बाल लंबे, घने, मुलायम हों, और जिसके लिए वे तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, जैसे हेयर स्पा, हेयर मसाज और ट्रीटमेंट, जिससे बालों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बालों को लंबा और घना करते हैं तो आप भी चौंक जाएंगे देखकर। जी हाँ दोस्तों, कोई बताएगा नहीं आपको, लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों, आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि बालों को बढ़ाने और बालों की पिगमेंटेशन में आपकी मदद करता है। इसमें आप आंवले के पाउडर को या फिर इसके जूस को नींबू के रस में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और सूखने दें। इसके बाद शैम्पू कर लें। यह प्रक्रिया आप महीने में 1 से 2 बार कर सकती हैं। नंबर दो, दोस्तों, बालों के पतले होने के पीछे सबसे मुख्य कारण है तनाव। यदि आपको किसी बात का तनाव होता है तो बाल पतले होने लगते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बालों के स्वास्थ्य के लिए ही सही तनाव से बिल्कुल दूर रहें। जब आप चिंता करना छोड़ देंगे तो खुद ब खुद बाल झड़ना कम हो जाएंगे और फिर बालों का घनापन लौट आएगा और बाल लंबे भी होने लगेंगे। नंबर तीन, दोस्तों, दही में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों को कई समस्याओं से बचाते हैं। दही में पाया जाने वाला एसिड बालों के रोमों को खोलकर जड़ों से मैल निकालते हैं और जड़ों का पीएच स्तर वापस लौटाने में मदद करते हैं। दही में मौजूद वसा जड़ों को पोषण देने के साथ साथ उन्हें हाइड्रेट भी रखती है। अगर आपको कोई संक्रमण की समस्या है तो आप इस समस्या से बचने के लिए दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर चार, दोस्तों, पतले बालों को मोटा दिखाने के लिए आपको प्याज के रस का इस्तेमाल करना चाहिए। प्याज के रस से आप हफ्ते में 3 बार बालों को धो लें तो पतले बालों की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, किसी को भी पतले और बेजान बालों से नफरत ही होगी। पतले बाल पूरे लुक को खराब कर देते हैं। बालों में पोषण की कमी, हार्मोन इनबैलेंस की कमी के कारण बाल पतले हो जाते हैं। नंबर पाँच, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों को पूरे पोषक तत्व मिले तो अंडे का इस्तेमाल महीने में 1 बार अवश्य करें। इसके लिए आप 2 अंडे की जर्दी को 2 चम्मच जैतून के तेल में मिलाकर अपने बालों और जड़ों में अच्छी तरह से लगा लें। 20 मिनट के बाद फिर बालों को शैम्पू कर लें। आप चाहें तो इस मिश्रण में आधा नींबू का रस भी मिला सकते हैं।